इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लिया था और आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स की। फाइन, तो ऑर्बिटल होता क्या है? अभी तक हम बात करते थे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था, ठीक। तो ऑर्बिट जो है उसको समझेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझिए। ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम देखिए, साइंस में तो आपको एक नंबर डिफाइन करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि 90 से 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है इस रीजन में। ओके, तो 3D स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। लिखना चाहे बिल्कुल डेफिनेशन लिखिए। इसको आराम से समझने के लिए हम यहां पर कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑर्बिट में जो थ्योरी पहले चल रही थी और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है? फाइन, तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि ऑर्बिट जो है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और ऑर्बिटल जो है वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। फाइन, तो ऑर्बिट के लिए आप लिखेंगे वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। हाँ, अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर समझेंगे और डिटेल में जाके। तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल्स के लिए क्या कहेंगे? 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट, ठीक है, मोस्ट लाइकली प्रेजेंट और मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जैसे भी आपको सेंटेंस प्रॉपर लगे। क्लियर है? अच्छा जी, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या आया कि जब आप ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट बेटा प्लेनर होता है, प्लेनर मोशन हो गया। ऑर्बिट का मतलब हो गया प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन मतलब एक ही प्लेन में वो रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सर्कुलर मोशन था ना, तो एक प्लेन में घूम रहा था। बट ऑर्बिटल कहता है कि 3D मोशन होगा, और रियलिटी यही है कि इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन होगा। फाइन, मैं आपको एक बार और समझा दूं बेटा। जब हम बात करते, मान लीजिए ये मेरे पास कॉपी है, इसमें आप देख रहे हैं ये मैंने सर्किल बनाया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये रेड कलर का आपको मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो ये आपकी कॉपी में घूम रहा है, ठीक, तो ये आपका प्लेनर मोशन हो गया। बट अगर आपके पास न्यूक्लियस इस वे में है और आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है, ये आपका 3D हो गया। फाइन, ओके, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन एक पॉइंट और देखते हैं, थर्ड पॉइंट। ऑर्बिट के हिसाब से ये कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n2। याद है क्लास 10th में ये पढ़ा था हमने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसी ऑर्बिट में 2n2 होंगे। लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 होंगे, ठीक। तो इसको लिख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n2। फाइन, जहां पे एन आपका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसे आप शेल कहते हैं। आगे डिटेल में करना इसको, अभी बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। अभी बस कुछ डिफरेंस देख रहे हैं वो लिख लीजिए। और यहां पे आप, मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने कहा इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्बिट है वो आपका पूरा गांव है, ठीक है, और जो ऑर्बिटल है वो आपका एक कमरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं या 2 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो ये एक ऑर्बिटल जो है ये एक छोटा कमरा है। फाइन, ऐसे अगर आप एज्यूम करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है। ओके, एक पॉइंट और देखते हैं, एक डिफरेंस जिसे आप कहते हैं।
कि ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं तो ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर शेप में होंगे। ऑर्बिट की जब भी बात होगी तो वो सर्कुलर शेप में आएंगे, जबकि ऑर्बिटल की जब बात होती है तो उसके डिफरेंट शेप होते हैं। हाँ, इनको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट शेप कैसे हो सकते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल आएगा, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होगा। अभी बस नोट कर लीजिए, आज यही लेक्चर में डिस्कस करना है हम। इसके बाद आएगा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल होगा, डंबल शेप, फाइन। और एस पी डी ऑर्बिटल लिख लीजिए, डी ऑर्बिटल, फाइन। ये फ्लावर होगा डेजी टाइप, और भी होते हैं एफ ऑर्बिटल, फिर शेप, कई बार जो है शेप संभालना ही मुश्किल हो जाएगा तो जनरली डी तक आपका काम चल जाता है। तो एस पी डी एफ जी एच और भी ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये कमरे हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये आपके डिफरेंस हो गए मोटे मोटे। और एक और डिफरेंस चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये कहता है कि बेटा ऑर्बिट जो थे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, तभी तो ये सारी कहानी हो। सो नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करते, लेकिन ये जो ऑर्बिटल थ्योरी है ये बिल्कुल हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करती है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा एस ऑर्बिटल की, ठीक। एस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको तीन एक्सेस दिखाई गई हैं, आप कोई भी एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एज्यूम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें एक सेंटर में आपको व्हाइट कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल शेप। तो एस ऑर्बिटल का सबसे पहले लिख लीजिएगा जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। अब आपके इलेक्ट्रॉन के एस ऑर्बिटल में होने के चांसेस, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्फेरिकल बैलून है, उसमें कहीं पर भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस रीजन में, फाइन। तो आपको अगर कॉपी में बनाना हो, अब ये पिक्चर तो एकदम से कॉपी में बनेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे। ये आपने दिखाया न्यूक्लियस, इसके बाद आप ओके कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं। इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसको समझिएगा, नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस में गया उतना वाई एक्सिस में गया, उतना ही जेड एक्सिस में गया, तो एक्स वाई जेड सारी डायरेक्शन में है, तो नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, ओके, नॉन डायरेक्शनल। और साथ में एक पॉइंट और लिखिएगा, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, ठीक, सिमेट्रिकल होता है, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होता है, ठीक। क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होने का मतलब इसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, आगे और इसको डिस्कस करना है, बट अभी जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन इस पर नोट कर लीजिए। अब इसको मैंने आपसे कहा कि भाई हमें क्या एज्यूम करना है, एक छोटा सा रूम, तो इसको हम एक ऐसे बॉक्स से दिखाएंगे और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ही है डिब्बा, ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है वो कितने हैं, टू इलेक्ट्रॉन। तो लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, टू। ओके, ये वैसे आगे भी आएगा बट अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए विद अपोजिट स्पिन, इसको आगे डिस्कस करना है तो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, बट हाँ दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है अपोजिट स्पिन, इसको शो किया जाता है मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन, सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रहेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो आपका होगा NS, आप इसको लिखेंगे NS, अभी बता रहा हूं N क्या है, N है आपका जो शेल होगा, ये ऑर्बिटल के शेल में है तो N आपका नंबर ऑफ शेल हो गया, सो फर्स्ट शेल में है तो 1, S ऑर्बिटल है तो S, तो 1S, समझ में आया, सेकंड शेल में है तो 2S, क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा P ऑर्बिटल, ओके, तो ये सेकंड नंबर ऑर्बिटल हो गया, एक हमने एस की बात की, अब पी ऑर्बिटल में सबसे पहले लिखिए जो हमारा शेप होता है वो होता है डंबल, शेप होता है डंबल,
ये आप देख रहे हैं, आपको रेड कलर से दिखाया, और फिर से आप एक्सेस कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, इसे एक्स मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए, इसे जेड मान लीजिए, क्लियर। तो ये जो आपका एक्स वाई जेड में बैलून टाइप का शेप, दो लोब आपको दिख रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके टू बैलून आप कह सकते हैं, उनकी आप जो है टेल अटैच कर दीजिए एक दूसरे के साथ, तो वो दो बैलून आपने लगा दिए 180 डिग्री पे और किसी एक एक्सिस के अलोंग आपने कर लिया, तो ये पी ऑर्बिटल आपका बनेगा, फाइन। अब ये किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको ये एक्स पे दिखाया, आप ये भी कह सकते हैं सर हम इसी को एक्स क्यों कहें, बिल्कुल आप इसे वाई मान सकते हैं, आप इसे एक्स कह सकते हैं, आप इसे जेड कह सकते हैं, तो अब ये क्या हो गया वाई, फाइन। तो जिस एक्सिस पे होगा तो कितनी एक्सिस हो सकती है, तीन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं इसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओके। तो सबसे पहले हमने बनाया, आप इस तरह से कॉपी में बना लीजिए, दो बैलून बना लीजिए, एक्स एक्सिस पे हो गया ये आपका, फाइन। अच्छा, आप बुक्स में देखेंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिखा होगा, इसकी बात आगे कर लेंगे, अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी हम सिर्फ पी ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसे हम कहेंगे पी एक्स, क्या कहेंगे पी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में अलाइन है, ओके। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर मैंने बनाए ये बैलून इस तरह से वाई में प्लस माइनस, फाइन, तो इसे मैं क्या कहूंगा पी वाई, क्लियर। और इसी तरह से एक और ऑर्बिटल होगा जो जेड एक्सिस पे होगा, इसको हम इस तरह से बनाएंगे यहां पर, ये आपका कहलाएगा पी जेड, फाइन। तो आपके पास थ्री ऑर्बिटल्स हो गए, क्लियर। तो तीन रूम है, तो अगर आप एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस या तीनों ऑर्बिटल्स को एक साथ लाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ये हैं आपके पी ऑर्बिटल्स, और इसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास थ्री रूम्स अवेलेबल हैं, ओके। एक आपका है पी एक्स, एक आपका है पी वाई और एक आपका है पी जेड। मैंने आपसे क्या कहा था, एक रूम में मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, टू। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल हैं, सिक्स। समझ में आ रहा है, ओके। कैसे, ये दिखा देता हूं, ठीक है। अगर वन इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मैं होगा, टू इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मैं होगा, थ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मैं होगा, फोर इलेक्ट्रॉन, फाइव, सिक्स। समझ में आया। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका होगा np, जैसे s ऑर्बिटल में हमने ns कहा था, यहां पे np। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, n अभी भी शेल है, n शेल है, लेकिन n आपका 1 से बड़ा होगा, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2p ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होगा, 4p ऑर्बिटल होगा, लेकिन 1p ऑर्बिटल नहीं होगा, 1 में केवल s ऑर्बिटल आएगा। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो बेटा हमारे पास आता है वो होता है हमारा d ऑर्बिटल, नेक्स्ट ऑर्बिटल इज d ऑर्बिटल, फाइन। इसका जो शेप है, हाँ शेप, अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो चुका है, अभी इतना नहीं हुआ, आप इसे डबल डंबल कह सकते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो कुछ इसे कहते हैं डबल डंबल, दो डंबल दिख रहे हैं आपको। अब फिर से बेटे देखिए, यहां पर ये एक्स है, ये वाई है, क्लियर। तो टोटल यहां पर आपको फाइव टाइप के दिख रहे हैं, साइड पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक, डार्क पिंक और पर्पल या डार्क ब्लू, आप जो भी कहें, ठीक है, फाइव टाइप दिखाए गए। अब अगर आपको फर्स्ट वाला है, मैं इसके नाम आपको बता देता हूं, इसमें फर्स्ट नाम आपका जो है डी एक्स वाई होता है, ठीक। एक्स वाई जो आपको सामने दिख रहा है, एक्स और वाई में, ओके, मैं यहां पे आपको ये लाइन भी दिखा दूं, ये 45 डिग्री पे जा रही होगी, ये डॉटेड लाइन जो है, ठीक। तो आपका एक बैलून जो है वो एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में सेंटर पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्स वाई प्लेन पे आपको दिख रहा है, तो ये आपका कहलाएगा डी एक्स वाई। इसी तरह से एक और होगा डी वाई जेड, फिर आपका होगा एक डी जेड एक्स। ये समझ में आई बात, डी जेड एक्स, तो तीन आपके ये हो जाएंगे, फाइन, बिल्कुल। इसके बाद एक शेप आपका आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक आपका आता है डी जेड स्क्वायर, तो टोटल 5 ऑर्बिटल आपको इस पे मिलेंगे, इस पे डी वाले में, ठीक, टोटल 5, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है वो कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब x और y पे हमने आपको दिखाया डी एक्स वाई लिखा, क्लियर। अब एक ऑर्बिटल हम ऐसे कह सकते हैं, सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस है। अब अगर आप देखेंगे तो ये किस वाले प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डी वाई जेड, क्लियर। ये आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे आप इसको बनाए x और y जब आपने बनाया और आपका ये बैलून इस तरह से आपको दिखाए गए हैं तो आप इसे कहेंगे डी एक्स वाई, बात समझ में आई, ओके। आप कॉपी में कैसे बनाएंगे, फिर आप इसको चेंज कर दीजिए, सपोज ये आपका y और z हो गया तो इसका नाम क्या आएगा, डी वाई जेड, क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको हटा दिया और आपने कहा भाई ये x और z प्लेन में आ गया, ये आपका x एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है, मतलब ये घूम चुके होगा ना, मैं यहां पे तो घुमा नहीं पाऊंगा, तो थर्ड एक्सिस के बीच में अगर ये आ रहे हैं तो क्या आ जाएंगे, इसको आप कहेंगे डी एक्स जेड, बात समझ में आई। अच्छा, अब वो बात आई कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक आपको शेप ऐसे मिलेगा बेटा x और y और इसमें आपके जो बैलून होंगे वो एक्सिस पे चल रहे होंगे इस तरह से, ये आपका बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, तो इसे हम कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फाइन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास ये आपकी z एक्सिस है, इसे आप कहेंगे डी जेड स्क्वायर, तो ये क्या होता है, अगर आपके पास एक एक्सिस है, z एक्सिस है, तो ये बैलून एक आपको दिखेगा और एक इसमें रिंग टाइप की दिखेगी आपको लाइक दिस, सो दैट मींस आपके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में है, एक तो यहां पे हो सकता है और एक ये बैलून वाले शेप में, क्लियर। तो ये आपके हो गए डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल तक आप शेप्स को फिर भी बड़ी इजीली डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स एफ की भी दिखा दूंगा, बट बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और ना पूछी जाती है, हाँ नंबर्स पूछे जाएंगे तो जो डिटेल हमें लिखनी है वो हम बिल्कुल लिखेंगे, क्लियर। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो आगे देखेंगे, ठीक है, हाँ जैसे एनएस एनपी चल रहा था वैसे एनडी भी आएगा, लेकिन वो कैसे होंगी नंबरिंग वो आगे चलते, फाइन। नेक्स्ट बात करेंगे एफ ऑर्बिटल की, और ये रहे हमारे एफ ऑर्बिटल, फाइन। तो शेप अगर आप देखेंगे, हाँ तो अब शेप जो है वो फिक्स तो नहीं कह सकते, बट आप एक कहना ही चाहें कुछ तो लीफ लाइफ कह सकते, ठीक, बट ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको कॉपी पे बनाना और उसके बाद उसको समझना 2D में ये आसान नहीं होगा। एस डी को आप 2D में भी बना के 3D इमेजिन कर सकते हैं, बट यहां पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको दिखाया गया तो शायद आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा हो, बट अदरवाइज इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द शेप, फाइन। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अब आपके पास टोटल 5 हो गए थे, 7 होंगे, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल 40। तो एफ ऑर्बिटल में क्योंकि यहां पर आपके पास 7 रूम्स हैं, हर रूम में 2 लोग जा सकते हैं, तो मैक्सिमम एकोमोडेशन जो है वो कितनी हो गई, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की, सो क्वांटम नंबर जो है वो सेट ऑफ 4 नंबर्स, क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम, ओके। जैसे आप किसी का एड्रेस बताते हैं, ठीक, तो आप क्या बताते हैं, आप कहते हैं भाई इस कंट्री में है, फिर आप कहते हैं इस पर्टिकुलर सिटी में होंगे, फिर सिटी में आप एक और लोकेशन बताते हैं, आपका जो मोहल्ला गली जो भी जिस भी वे में है, फिर आप कहते हैं उसमें हाउस नंबर होगा,
Fine. The set of four numbers required to define an electron completely in an atom. पहला जो नंबर इसमें लिखा जाता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. लिख लीजिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हाँ पूरा लिख लीजिएगा NUMB. नेक्स्ट लिखिएगा एजीम्यूथल. AZIMUTHAL. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. फाइन ये आपका L है. थर्ड लिखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसको आप M से डिनोट करेंगे. और लास्ट आपका आएगा स्पिन क्वांटम नंबर. इसे आप S से डिनोट करेंगे. तो अगर आपको ये चार नंबर पता है तो आप अपने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन कैसे बताएंगे वो अभी समझेंगे आगे, कि वो किस शेल में है, वो किस सब शेल में है, वो किस ऑर्बिट में है, कौन उसका गांव, कौन उसका मोहल्ला और कौन उसका घर. ठीक, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. तो पूरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें अगर चाहिए तो हमें ये फोर क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी. सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल को. तो इट रिप्रेजेंट्स शेल. शेल याद है आपको, के शेल, एम शेल जो आपने पढ़े थे. ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा एन जो है वो आपका जीरो नहीं हो सकता. एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन पॉसिबल है. फाइन, सो अगर आपने कहा एन इज इक्वल टू वन तो आपका हो जाएगा के शेल. ये तो पढ़ा था, टेंथ में पढ़ा था ना ये. एन इज इक्वल टू टू तो ये आपका हो जाएगा एल शेल. तो नंबरिंग की गई शेल को आपने या तो नंबर से बता दिया या आपने उन्हें अल्फाबेट से डिनोट किया. और के एल एम एन अगर आपको ऐसे याद हो तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं. ये एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर और आप आगे तक जा सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ एन अफेक्ट्स द साइज ऑफ ऑर्बिट या शेल आप कह सकते हैं इसे. ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हमने आपसे कहा कि भाई वैल्यू ऑफ एन अफेक्ट द साइज ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा. अब बेटा इस शेल को डिवाइड कर दिया गया सब शेल. ओके, तो ईच शेल इज डिवाइडेड इंटू सब शेल्स विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्बिटल्स. एक पॉइंट और लिखिएगा. nth शेल कंसिस्ट ऑफ, हाँ पहले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं फिर एग्जांपल करेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा. nth शेल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ सब शेल्स. हाँ ये याद रखना, nth शेल जो है वो n सब शेल ही होंगे. मतलब अगर 1 है तो 1 ही सब शेल होगा, 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सब शेल, n is equal to 3 है तो 3 सब शेल होंगे. फाइन, ओके, एंड n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ये समझ में आया? ठीक है, तो मैंने आपसे कहा nth शेल में n, हाँ अभी दिखा भी देंगे आपको कि कैसे ये आएगा. अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे शेल में, 2n स्क्वायर. अरे ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, याद आया? क्योंकि n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो टोटल 2n स्क्वायर हो गया. ओके वेरी गुड. तो ये हमने कुछ बातें लिखी किसके बारे में, हाँ जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में. इसको समझने के लिए यहां पर आप लिख लीजिए शेल, यहां पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ सब शेल्स और यहां पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट शेल. ठीक, या जिसे आप k शेल भी कहते हैं.
ओके, अब नंबर ऑफ सबशेल्स की जब आप बात करेंगे तो सबशेल जो होता है ना बेटा, वो जो हमने SPDF पढ़ा यही सबशेल है। हाँ, हमने उसे ऑर्बिटल नाम दिया, अभी बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। ये है हमारा वन के साथ हमेशा ऐसा आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था NS, तो ये 1s हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 square, यानी कि केवल एक ऑर्बिटल होगा, यानी एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा। 1s में मैंने आपको यही बताया था, क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा भाई n इज इक्वल टू 2, यानी हम कौन से शेल में चले गए, सेकेंड शेल में, सेकेंड शेल में गए। अब सेकेंड शेल में आपके पास नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एस बी होगा और पी बी होगा। ये समझ में आया? अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑर्बिटल होगा 2s, एक आपके पास होगा 2px, एक आपके पास होगा 2py, एक आपके पास होगा 2pz। तो टोटल अगर आप डब्बे देखेंगे तो आपके पास एक तो बनेगा ऐसे 2s और एक बनेगा आपके पास इस तरह से 2p। आप चाहें तो इसे x, y और z लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो टोटल कितने हो गए आपके पास कमरे, 4, ठीक। तो S के 1 आया और P के 3 आ गए, तो ये आपका 2 square हो गया बेटा, 4 जिसे आपने कहा। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए N इज इक्वल टू 3, यानी आप कहां पहुंच गए, थर्ड शेल में। जैसे ही आप थर्ड शेल में पहुंचे, आपने कहा मेरे पास सब शेल 3 होंगे। 3 कौन से होंगे, S, P और D। ऑर्डर वही चलेगा जो मैंने आपको बताया, S, P, D, F। 4 मैंने बताए, आगे बढ़ना चाहें तो मैं आपको लिखाते चलता हूं, ऐसे इससे ज्यादा की जरूरत होती नहीं है, SPDF। बट हाँ, फ्यूचर में हो सकता है आप कोई 100-150 एलिमेंट्स डिस्कवर कर दें, तो SPDF आगे बढ़ना होगा, तो GH फिर इस तरह से चलेगा। फाइन, ओके, तो अभी इतनों से काम चल जाएगा। तो SPD आपके पास आ गए, अब क्या होगा, नेमिंग कैसे होगी, थर्ड शेल में जो S ऑर्बिटल होगा उसे आप कहेंगे 3S, फिर आप कहेंगे 3P, 3P में आपको पता है 3 हो जाएंगे, 3PX, 3PY, 3PZ, ठीक है, और फिर आप कहेंगे 3D, और D में आपको पता है कितने हो जाएंगे, 5, क्लियर, DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2, क्लियर है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अब आपके पास 1, देन 3 एंड देन 5। अभी बस डब्बे काउंट कर रहे हैं और बाकी सब डिटेलिंग अभी आएगी, अभी ये डब्बे ऐसे नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, बट अभी अगर आप देखें तो अब आपके पास कितने बॉक्सेस हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब N² 3² 9 हो गए ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब चलो देखो कि पहले वाले में N इज इक्वल टू 1 शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर होंगे तो कितने होंगे, यहां पर बेटा 2 होंगे, देख रहे हैं आप, एक डब्बे की लिमिट 2 है, एक रूम में मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट में कितने, 8, फिर कितने, 18। भाई ये 18 की एकोमोडेशन दी है, होगी नहीं होगी ये जरूरी थोड़ी है, इतने एकोमोडेट कर सकते हैं, तो थर्ड शेल मैक्सिमम कितने एकोमोडेट कर सकता है, 18, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एन इज इक्वल टू 4 की, तो क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4th शेल, ठीक है, बिल्कुल 4th शेल में आपके पास एस पी डी एफ ये आ जाएंगे। फाइन, और इसी तरह से नेमिंग आपकी हो जाएगी 4s, 4p, 4d, 4f, क्लियर। और यहां पे आपके पास, अब मैं सारे बॉक्सेस आपको नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद काउंट कर सकते हैं, 16 बॉक्सेस आपके पास हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32, दैट इज अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। फाइन, एन इज इक्वल टू 5 पे ये 5th शेल हो गया, ठीक है, यहां पे आपके 5 हो जाएंगे। अब नंबर नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है एस पी डी एफ के बाद जी एच आई जे जो भी आपको बनाना है बना लीजिएगा, ऑर्डर में चलेंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, उससे पहले ऐसे याद रखना है आपको, एस पी डी एफ याद रखना है। फाइन, ओके, यहां पे आपके पास 5 square ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल, क्लियर है। और एक जनरल कर लेते हैं, अगर हमारे पास nth शेल है, nth शेल है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स जो होंगे वो n सबशेल्स होंगे, ठीक है,
उनकी नेमिंग आप इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एन स्क्वायर होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल 2n² ये हमने पढ़ा था। तो कुछ चीजें तो हमने सही पढ़ी थी, ये नहीं कहूंगा कि गलत पढ़ी थी, बट कुछ चीजों के बारे में हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, दे भी नहीं सकते क्योंकि तब तक तो प्रोबेबिलिटी वगैरह भी नहीं पढ़ी होती, तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो 10th में बस इतना पढ़ लिया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फाइन। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट इन एर्थ शेल। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान है। एर्थ शेल मतलब n इज इक्वल टू 8 हो गया, फाइन। और मैंने आपसे कहा है नंबर ऑफ सबशेल्स मुझे बता दीजिए और ऑर्बिटल्स मुझे बता दीजिए। तो जो नंबर ऑफ शेल होता है उतने ही सबशेल होते हैं, तो भाई यहाँ पे आपके 8 सबशेल्स हो गए, और ऑर्बिटल्स की आप बात करेंगे तो 64 ऑर्बिटल्स हो गए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो 128 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है सबशेल को। वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट्स अ सबशेल। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1 फॉर शेल n, ठीक है। और इसकी नंबरिंग जरा समझ लेते हैं बेटा। अगर मुझे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मुझे वैल्यू दी गई है L की, ये है L की वैल्यू, ठीक। तो सबशेल को हम नाम क्या देंगे ये समझना जरूरी है। L अगर 0 है दैट मीन्स हमारे पास S सबशेल है। 1 का मतलब है P, 2 का मतलब है D, ऑर्डर में हुई है, फाइन। F 4 का मतलब है G, ये याद रखना है, एक कम से शुरू हो रहा है, SPDF। जैसे आप लिखेंगे SPDFGH, ऐसे आप लिख रहे हैं तो आप जीरो से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और यही समझना जरूरी है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज 2l+1। तो अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मेरे पास शेल नंबर है n इज इक्वल टू 1, ठीक। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए l की वैल्यू क्या पॉसिबल है। 0 से शुरू करेंगे और n-1 तक जाएंगे, तो यहां पे n-1 कितना आ गया, 0। तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल में चले गए। अब l की वैल्यू क्या पॉसिबल है, एक तो 0 पॉसिबल है और दूसरी वैल्यू 1 पॉसिबल, 2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज ये वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा सकती है, समझ में आ रहा है। अब मैंने आपसे कहा n इज इक्वल टू 3, ठीक। तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे भी बता रहा हूं कि यह है क्या, ठीक। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4, बस यहां तक लिख देते हैं। तो आपने कहा कि l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, ये है कहानी, ठीक। अब देखिएगा l इज इक्वल टू 0, मैंने आपको क्या बताया, l इज इक्वल टू 0 है s सबशेल। तो यहां पर जैसे ही आप शेल नंबर 1 में गए, आपके पास जो ऑर्बिटल है वो 1s आ गया, सबशेल कौन सा, l इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे बढ़े, l इज इक्वल टू 0 और 1 पॉसिबल है, यानी 2s और 2p, बिकॉज ये s है और ये p है और ये इसका n नंबर हो गया, बात समझ में आई। इसी तरह से यहां पर 3s, 3p और 3d, क्लियर हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो मेरे पास n हो गया बेटा, n इज इक्वल टू 3, दिख रहा है आपको, n इज इक्वल टू 3 और ये मेरे पास आ गया s, तो ये मैंने लिख दिया 3s, क्लियर है।
अब मैंने ये वन देखा तो मैंने लिखा 3p, ठीक है, और फिर हम आगे गए, हमने देखा 2 वाला, तो ये मेरे पास आ गया 3d। तो पहले आपने क्या कहा, आपने कहा भाई इसका जो शेल है वो 3 है और सब शेल कौन सा हो गया spd, वो आप डिफाइन कर सकते हैं 0 1 2 से, क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो आप क्या कहेंगे 4s 4p 4d और 4f, ये s 0 p 1 d f, बात कुछ कुछ समझ आ रही है। और इसी तरह से आप आगे चल सकते हैं और चल सकते हैं, बट इससे ज्यादा कि हमें जितने एलिमेंट्स हमारे नोन है ना, हाँ, उसमें हमें 6 7 तक जाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी डी एफ जी उस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एस और पी से ही काम चल जाता है। तो एस पी डी एफ इतने से हमारा काम चल जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैं आपके आगे आपको दिखा भी दूंगा तो इसलिए परेशान मत होइएगा। बट अगर कोई कहे तो मैंने आपको बता रखा है कि आगे आप और भी जा सकते हैं, एस पी डी एफ के बाद जी एच, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइएगा। एक पॉइंट और लिखिएगा, ये जो L की वैल्यू है ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है S है P है D है F है, ठीक है, तो एक तरह से ये आपको शेप बता रही है। अरे S P D F शेप पढ़े ना अभी अभी, वो स्फेरिकल है, डंबल है, डेजी है, कौन सा शेप है, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स शेप भी थे आगे। तो L की वैल्यू लिख लीजिएगा, इसको वैल्यू ऑफ L अफेक्ट्स शेप ऑफ सबशेल, और जब शेप ऑफ सबशेल की बात होगी तो बेटा फिर वो एनर्जी भी आएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आगे समझ में आएगा आपको कि कैसे ये एनर्जी आती है, ठीक। तो ये हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया, और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा थर्ड वन, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे आप जनरली डिनोट करते हैं एम से, बट कुछ बुक्स इसे एम एल भी लिखती हैं, फाइन, एम के साथ सबस्क्रिप्ट में एल लिखा होगा, ओके, लिखिएगा, इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल और एन ऑर्बिटल। आपका जो कमरा है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, एक्स वाई के बीच में, वो जो पढ़े थे हमने, ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट कैन हैव वैल्यू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, हाँ पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं क्या है मतलब, ठीक, हाँ, माइनस एल से जीरो से प्लस एल तक इसकी वैल्यू होगी। जैसे अब आपको पता है कि एल की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, एल कैसे आना है वो आपको पता चल गया, मान लीजिए एल की वैल्यू जीरो है, ठीक, तो आपको पता है ये S सबशेल है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं मैं, S सबशेल है, जीरो का मतलब S सबशेल होता है, तो आपने कहा कि भाई ये M की वैल्यू क्या होगी, फाइन, तो यहां पे M की वैल्यू आपकी जीरो ही आएगी, क्योंकि माइनस करोगे चाहे प्लस करोगे जीरो जीरो ही रहना है, ओके ओके, तो जीरो जो है प्लीज ध्यान रखिए एक नंबर है, हाँ, ये मत कहना कि कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ये एक नंबर है, मतलब जीरो एक नंबर है, तो एक वैल्यू होगी, ठीक है, ओके, तो यहां पे अगर मैं लिखूं, चलिए इसको लिख भी लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, पता लगा जीरो लिख दिया आपने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज वन, क्लियर, तो आपको पता है कि एस की जब आप बात करते हैं तो केवल एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा बना होता है, ये रहा आपका एस, फाइन। अब बात करेंगे पी, पी सबशेल की, हम पी सबशेल में चले गए, एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन, L के लिए वन वैल्यू थी तभी तो P सबशेल का था, तो यहां पर अब M की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा M की वैल्यू होगी माइनस वन, जीरो और प्लस वन, मैंने क्या कहा था माइनस L से चलेगी और प्लस L तक जाएगी इंक्लूडिंग जीरो, तो अब टोटल कितने हो गए आपके पास, थ्री ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये थ्री क्या है भाई, ये थ्री जो है ये आपके हैं px py pz, आप इसमें कोई ऐसा नहीं है कि माइनस वन को ये नंबर देना, बट जनरली एक ऑर्डर आपका रहेगा तो आप इसे px py और pz ऐसे नंबर दे देंगे, बट एग्जैक्टली क्योंकि ये हमारे बनाए हुए हैं, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी कहा कि मैं इस ये x मेरा यही होगा, नहीं, ये हमारे बनाए हुए सिस्टम है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम सबसे पहले वाले को x दे देंगे, दूसरे वाले को y, आप चाहें तो ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, क्लियर, ओके, आगे बढ़े। अब हमने कहा टू वैल्यू आ गई, टू, ठीक है, एल की वैल्यू टू हो गई, यानी कौन सा हो गया, डी सबशेल में चले गए,
डी सबशेल में हम जा चुके हैं, डी सबशेल में हम गए तो एम की वैल्यू क्या हो गई बेटा? अब देखिए, अब आपके पास टोटल फाइव वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू। बात समझ में आई? टोटल आपके पास फाइव ऑर्बिटल्स हो गए, इसीलिए आपके पास डी में जो आपको बॉक्सेस दिखते हैं वो कितने होते हैं? टू, थ्री, ओके, फोर, फाइव, ऐसे कर लीजिए, ये सब इक्वल साइज के होंगे, ठीक है, कमरे छोटे बड़े नहीं, सबको बराबर देने। ओके, बात समझ में आ रही है? तो एल इज इक्वल टू टू, तो एन की फाइव वैल्यूज पॉसिबल है। और इसी तरह से जब मैं आपसे बात करूंगा एफ सबशेल, एफ सबशेल मतलब एल की वैल्यू थ्री, बात समझ में आई? तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? अब लिखने की मुझे जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहां पे सेवन आपको दिखा सकता हूं। और अब आपके पास सेवन रूम्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन होगा शायद, ओके, वन टू थ्री फोर, ओके सेवन होगा। तो अब आपके पास सेवन ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, क्लियर? तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम से आप या एम एल से आप डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिखना चाहें तो बिल्कुल माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री तक जाएंगे इंक्लूडिंग जीरो, तो टोटल सेवन वैल्यूज हो जाएंगे, मैंने सारी लिख के नहीं दिखाई आपको, ओके, बिल्कुल। और अब हेडिंग डाल लीजिएगा लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और बेटा जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी केवल दो वैल्यूज होगी। अच्छा, अभी तक जितनी भी वैल्यूज आई आपने देखा सबकी सब इंटीजर थी, ऊपर जितनी आई है ना, हाँ, ये पहली वैल्यू होगी जो आपकी फ्रैक्शन में होगी, फाइन, लिख लीजिए, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका काम बस इतना है, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन मतलब कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, बिल्कुल लिख लीजिए, इट हैज टू वैल्यू, इट हैज टू वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब जरा सी समझिएगा, ये प्लस और माइनस फिर से हमारा डिसाइड किया हुआ है, तो आपने कहा सर हमने प्लस हाफ को क्लॉकवाइज कहा, ठीक है, तो माइनस हाफ मेरा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने पढ़ ली फोर क्वांटम नंबर्स, ठीक है, चारों के चारों क्वांटम नंबर हमारी समझ में आ गए। और आगे जब हम बात करेंगे तो इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की या इलेक्ट्रॉन की कहां पर उसकी लोकेशन है इसकी बात इनके टर्म्स में करेंगे। तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं, इसको ध्यान से समझ के आइएगा तभी नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा।